स्वागत है दोस्तों। तो ये एक G41 मदरबोर्ड है। इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नो डिस्प्ले है ये। इसका एक इनबिल्ट स्पीकर भी है तो बिना रैम के भी ये रैम भी पाता है, लेकिन अभी मैं इसे ऑन करूँगा। देखिए तो रैम भी नहीं आ रहा है। देखिए और प्रोसेसर भी बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले एक एक करके सप्लाई चेक कर लेता हूँ मैं। ये 1 point something आना चाहिए। और ये 1.1 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये कॉइल चल रहे हैं। ये कोर वोल्टेज है, कोर वोल्टेज का कॉइल। यहाँ पे सप्लाई बराबर है। और ये रैम रैम वोल्टेज यहाँ पे 1.5 आना चाहिए। रैम का कॉइल है ये। रैम सप्लाई भी बराबर है 1.5। तो सभी वोल्टेज सही हैं। और यहाँ पे आप डीवो कार्ड में देख सकते हैं कि एक मिनट ये सप्लाई भी बराबर है। तो मुझे लगता है कि इसका नॉर्थ ब्रिज जो है ये ड्राई हो सकता है, रीफ्लो करने से आ जाएगा लगता है। देखिए यहाँ पे डिवो कार्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक नहीं है, रिसेट ब्लिंक नहीं कर रहा है, प्रोसेसर भी नहीं हिट हो रहा है। कोर स्टार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये कोर स्टार्ट हो रहा है। देखिए आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं, सीपीयू बिल्कुल नहीं हीट हो रहा है। 36 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे लगता है इसका नॉर्थ ब्रिज जो है ये ड्राई हो सकता है। इसे हमें बीजी मशीन से रीफ्लो करना पड़ेगा। थिनर से साफ करना बहुत ज़रूरी है रीफ्लो करने से पहले।
अरे रैम भी पे आ गया, देखिए रैम लगा के चेक कर लेते हैं डिस्प्ले भी है आ रहा है या नहीं।